बिहार की हॉट सीटों में शामिल पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। साल 2008 में इस सीट का पुनर्गठन किया गया था, जिसके बाद राजधानी दो सीटों में बट गई, एक पट्टा साहिब लोकसभा सीट और दूसरा पाटलिपुत्र लोकसभा सीट। इस सीट से इंडिया गठबंधन की तरफ से राजद नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की बेटी मीसा भारती मैदान में है। वहीं एनडीए की तरफ से बीजेपी ने रामकृपाल यादव को मौका दिया है। यहां से कुल 22 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसकी किस्मत का फैसला 16.5 लाख मतदाता करेंगे। पिछले साल भी इस लोकसभा सीट से मीसा भारती और रामकृपाल यादव आमने सामने थे और रामकृपाल यादव ने 39,320 मतों से जीत हासिल की थी। वहीं साल 2014 में 41,000 मतों से मीसा भारती को हार का सामना करना पड़ा था। मीसा भारती इस सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। मतदाताओं ने भी इस बार जमकर मतदान किया है। पिछले साल के मुकाबले पाटलिपुत्र सीट पर 3.31% अधिक मतदान हुआ है, जिसका फायदा मीसा भारती को हो सकता है। एग्जिट पोल की माने तो इस साल मीसा भारती और रामकृपाल यादव के बीच कांटे की टक्कर देखेगी। अगर रामकृपाल यादव जीतते हैं तो ये उनकी हैट्रिक होगी। वहीं मीसा भारती एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाएंगी।